एक औरत जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, केवल यीशु मसीह के कपड़ों को छूते ही वो चंगी हो गई। सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से एक औरत जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसके विश्वास के बारे में हम देखेंगे कि कैसे वो औरत प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को छूते ही कैसे चंगी हो गई। आइए हमारे साथ निकालेंगे मरकुस 5 अध्याय उसके 25 आयत से हम लोग देखेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जब हम बीमार होते हैं, जब कोई बीमारी हमें हो जाती है, तो उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, आजादी पाने के लिए हम कितना परेशान रहते हैं। इस औरत के जीवन में भी वो कैसा परिस्थिति रहा होगा कि जो लहू बहने की इसको बीमारी थी उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे वैद्यों के पास गई होगी, बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई होगी, अपना सारा रुपया सारा पैसा गंवा चुकी, उसके बाद भी इसे चंगाई नहीं मिला, इसे उस बीमारी से आजादी नहीं मिली, बल्कि और भी बीमार हो गई। तो कैसे, आखिर कैसे इस औरत को उस लहू के रोग से छुटकारा मिला होगा? आइए हम आगे देखेंगे। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, इस औरत के विश्वास को देखिए। यीशु मसीह के बारे में इसने सुना था कि यीशु मसीह जो मुर्दों को जीवित करता है, जो अंधों को वाके देता है, जो लंगड़ों को चलाता है, जो कोढ़ी को चंगा करता है, यदि मैं उस पर विश्वास करूंगी तो मुझे भी मेरी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। उस विश्वास से इसने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ और सच में हम आगे देखते हैं कि कैसे इसको चंगाई मिली। आगे आयत में हम देखेंगे, 28 आयत में लिखा है, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने मन में, अपने आप में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? इस औरत के विश्वास के जरिए इसने विश्वास किया कि यदि मैं उसके कपड़ों को छू लूंगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगी। और सच में जैसे ही इसने उस भीड़ में, हजारों की भीड़ में, जैसे ही इसने यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ, इसका लहू बहना बंद हो गया और यीशु मसीह को पता चल जाता है कि किसी ने मुझे छुआ। वो कहते हैं, कौन है जिसने मुझे छुआ? वो औरत डरती और कांपती हुई आती है और कहती है, मैंने तुझे छुआ। तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में, आज आपके जीवन में क्या समस्या है हमें नहीं पता, आप किस बीमारी से होकर गुजर रहे हमें नहीं पता, आपके जीवन में क्या समस्या है हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आप उस औरत के जैसे जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, यदि उसके जैसे आप विश्वास करते हैं प्रभु पर कि हाँ सच में यदि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, यदि मैं प्रभु पर विश्वास करती हूं तो मुझे इस बीमारी से, इस परेशानी से, इस समस्या से छुटकारा मिलेगा, आजादी मिलेगा, तो निश्चय आपको उस समस्या से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है और तू इस पहाड़ से कहे कि उखड़ कर समुद्र में पड़ जा तो तेरे लिए हो जाएगा। हजारों की भीड़ में केवल उस औरत को चंगाई मिला क्योंकि उसने विश्वास किया। आज बहुत सारे लोग चर्च में आना, प्रार्थना करना, दुआ कराना, बस यही रहता है। हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या हम विश्वास में दृढ़ हैं, क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्या सच में हमारा विश्वास उस औरत के जैसा है जैसे उसने विश्वास किया और कपड़े को छूते ही, यीशु मसीह के कपड़ों को छूने से उसको चंगाई मिली। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यदि आप
परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। इस वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।